यह कहानी आपको बताएगी कि हमें सकारात्मक सोच क्यों रखना चाहिए। सकारात्मक नजरिया हमें वहां पहुंचा सकता है जहां हम चाहते हैं। वह इंसान जो सकारात्मक रहता है वह उस इंसान से ज्यादा खुश रहता है जो नकारात्मक रहता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि ये बात बिल्कुल सही है। आपने कई बार इसे महसूस भी किया होगा कि जब कभी सुबह उठते समय आपको थोड़ी चोट लगी हो तो आपने सोचा होगा आज का तो दिन ही बुरा है, और आपने अपना नजरिया उस दिन के लिए नकारात्मक बना लिया। लेकिन फिर ऐसा ही होता है और ऐसी ही घटनाएं आपके साथ होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नजरिया नकारात्मक हो जाता है, और वहीं जब हम उठते हैं और हमें कोई अच्छी खबर मिल जाए तो हम सकारात्मक सोचने लगते हैं और बोलते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारा सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। ये सब हमारी सोच की ताकत है। हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है, और जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है और सभी परिणाम अच्छे आते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ बुरा होने लगता है। इसलिए हमें अच्छे परिणाम के लिए सकारात्मक नजरिया रखना बहुत जरूरी है। और हम सकारात्मक नजरिए से अच्छे परिणाम कैसे पा सकते हैं, इसके लिए हम चलते हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी पर। एक समय की बात है जब राजा महाराजाओं का समय चल रहा था। एक व्यापारी को सामान लेकर राजा के दरबार में शामिल होना था, तो वह व्यापारी राजा के यहाँ सारा सामान भरकर गाड़ी से निकलता है, लेकिन रास्ते में एक बिल्ली उस व्यापारी का रास्ता काट देती है। अब व्यापारी बोलता है गाड़ी राय को, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट दी। बोलता है ये तो अपशकुन हो गया, हो सकता है रास्ते में गाड़ी पलट जाए या हो सकता है कोई और दुर्घटना हो जाए। और उस व्यापारी के मन में अलग अलग नकारात्मक बातें आने लगती हैं और वह गाड़ी को वापस घर लौटाने लगता है। उसी राज्य में एक दूसरा व्यापारी भी रहता है, उसे भी राजा के दरबार में सामान ले जाना था। वह रास्ते में निकलता है सारा सामान लेकर, तो उस व्यापारी का रास्ता भी बिल्ली काट दिया, लेकिन व्यापारी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह राजा के दरबार में पहुंच जाता है। इस व्यापारी के काम और लगन को देख राजा बहुत खुश होता है और इसे बहुत से उपहार और मिठाइयां दे देता है। ये व्यापारी घर आता है और इसका परिवार खुश रहता है, लेकिन पहले वाला व्यापारी बहुत दुखी रहता है। पहले वाला व्यापारी राजा के दरबार नहीं पहुंचता तो राजा उसे दंड देता है और उसे कारागार में डाल देता है, और उसके सारे परिवार वाले परेशानी में आ जाते हैं। और व्यापारी सोचता है कि ये सब जो बुरा हो रहा है उस बिल्ली के कारण हो रहा है जो उसका रास्ता काट गई थी, लेकिन ये सब तो सिर्फ उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम था। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमारे परिणाम भी खराब आएंगे, लेकिन अगर हम अच्छी मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे परिणाम भी अच्छे आने लगेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये साँच हमें रखनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग ये तो सब बोलने की बात है सकारात्मक नजरिया रखने से कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या आपको पता है एक व्यक्ति अगर गलत काम में भी सकारात्मक नजरिए से काम करता है तो उसे सिर्फ वही काम अच्छा लगने लगता है, भले ही लोग कुछ भी कहें। आज की दुनिया में लोगों को जो काम गलत लगता है वही काम उस व्यक्ति को सही लगता है। ऐसा क्यों होता है? सब उस व्यक्ति का उस काम के प्रति नजरिया होता है। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस गलत लगता है, लेकिन वही काम कुछ लोग दिल और जान लगाकर करते हैं, क्योंकि उनका नजरिया उस काम के प्रति सकारात्मक होता है। यही कारण होता है कि एक व्यक्ति के लिए वही काम अच्छा होता है और दूसरे व्यक्ति के लिए वही काम गलत होता है। सकारात्मक नजरिया रखने वाला व्यक्ति हर चीज में कुछ अच्छा खोज लेता है, जिससे उसका जीवन सरल और सुखी हो जाता है। सकारात्मक नजरिया आपको परिस्थिति पर काबू रखने में मदद करता है। सकारात्मक नजरिया जीवन की परेशानियों को कम कर देता है। जैसे अगर किसी के एक हाथ में फ्रैक्चर आ गया तो क्या उसे रोते ही रहना चाहिए या ये शुक्रिया करना चाहिए कि दूसरा हाथ तो सलामत बचा है? ये सब हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। सकारात्मक नजरिया हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि आप आज बहुत मेहनत कर रहे हो पर हो सकता है आपको आज अच्छे परिणाम न मिल रहे हों, तो हो सकता है आप काम छोड़ दें।
लेकिन अगर आप सकारात्मक नजरिए के साथ काम करेंगे तो कुछ समय बाद परिणाम भी आने ही लगेंगे, जिससे हमें बड़ी सफलता मिल सकती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक प्रसिद्ध शिक्षक रहते थे। वे अपने ज्ञान और समझदारी के लिए जाने जाते थे। एक दिन उनके पास दो युवा आए और उनसे सफलता और जीवन में खुश रहने का रहस्य जानना चाहा। शिक्षक ने उन्हें एक साधारण सा कार्य दिया। उन्होंने दो गिलास पानी लेकर उन्हें एक टेबल पर रखा। एक गिलास आधा भरा हुआ था और दूसरा आधा खाली। फिर उन्होंने युवाओं से पूछा कि वे क्या देखते हैं। पहला युवक बोला, यह गिलास आधा खाली है। दूसरा युवक बोला, यह गिलास आधा भरा हुआ है। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों सही हो, लेकिन इस गिलास को देखने के नजरिए में अंतर है। पहले युवक ने इसे नकारात्मक रूप से देखा, जबकि दूसरे ने सकारात्मक रूप से। फिर उन्होंने समझाया, जीवन में सफलता पाने के लिए और खुश रहने के लिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें देखकर निराश नहीं होना चाहिए। हर स्थिति के उज्जवल पहलू को देखें और उससे सीखें। युवाओं ने शिक्षक की बातों को समझा और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संकल्प लिया। उनके इस परिवर्तन के कारण वे जीवन में अधिक सफल और संतुष्ट हुए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में हमारा नजरिया हमारे अनुभवों को प्रभावित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हम न केवल कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, बल्कि खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं।